कैसे रोका जाए ताकि हमारा भारत देश फले फूले और समृद्ध हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं। जैसे कि लेमन न्यूज की यह मुहिम लगातार जारी है, विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद हो चुका है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं और एक बार फिर हम तमाम तस्वीरें उन मुंबई की 36 विधानसभा क्षेत्रों का अपनी जनता को दिखाने का शिद्दत से प्रयास कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमारे टेलीफोन हमारे कार्यालय में दे रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो अपने सिटिंग एमएलए के कामों से संतुष्ट नहीं है। और हर बार की तरह इस बार भी चुनाव होने को है। चुनाव आयुक्त महोदय ने 15 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है, वोटिंग होगी। लेकिन हम इससे पहले उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां की जनता से वहां की सूरत हाल ले रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके विधायक साहब पिछले 5 सालों में कितने बार आपके क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे और आपकी समस्याओं से संबंधित उन्होंने किन किन मसलों को समय रहते सुलझाया। हमारे साथ यहाँ पर चेतन पुरोहित साहब हैं जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया है और हम यहाँ का सूरत हाल अपनी जनता को बताएंगे। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे चेतन साहब, यहाँ घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र है, घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रकाश मेहता साहब। पिछले बार भी वो आए थे, आप लोगों ने चुनकर दिया, विधानसभा भेजा। 5 साल वक्त बीत चुका है और 5 साल वक्त कम नहीं होता। 5 सालों में आपने अपने विधायक को कितने बार देखा? यहाँ उन्होंने सिर्फ एमपी के इलेक्शन के टाइम आए थे और उसका हमारा कोई झोपड़पट्टी के विचार के लिए कभी भी इधर आके हमको पूछा नहीं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। कलेक्टर का नोटिस आया, बीएमसी का नोटिस आता है, कभी कुछ होता है। तो जो नियम से एमएलए एमपी को करना चाहिए वो काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। यानी सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है, आपके हाथ में कोई नोटिस मैं देख रहा हूँ, आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये नोटिस क्या है। ये बीएमसी का नोटिस है, उसके पहले हमको कलेक्टर के नोटिस आते थे और वो सब क्लियर हो गए। अभी बीएमसी का नोटिस आया है कि भाई आपने अतिक्रमण किया है, जबकि हमारे पास 85 जो लोग यहाँ रहते हैं 95 से प्रूफ है सबके पास और सब टोटली जो 115-120 रूम है उनका सबका प्रूफ इधर है। और आप जरा अपने हिसाब से देखें, कुल मिला के ये जो इलाका है यह नायडू कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, पंतनगर में स्थित है और यहाँ पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका हो, कलेक्टर हो, तमाम सरकारी संस्थानों द्वारा यहाँ के रहवासियों को नोटिस दी जाती है और कहा यह जाता है कि जिस जगह पर आप वास्तव्य कर रहे हो यह पूरी तरीके से अवैध है। साफ तौर पर यह बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से दिया गया यह नोटिस अपने टीवी स्क्रीन पर वह तमाम दर्शक देख सकते हैं। यह नजारा है घाटकोपर पूर्व विधानसभा का, जहां पर पंतनगर में स्थित है नायडू कॉलोनी, जो साफ तौर पर बिल्डिंग नंबर 166 के ठीक सामने काबिज है। और सबसे ज्यादा जो तकलीफें यहाँ की हैं वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नाले हैं, गटर हैं, गटर का पानी लोगों के घरों में जाता है, साफ सफाई बाहरी क्षेत्र का किया जाता है, लेकिन यहाँ के रहवासियों के घर में जिस प्रकार बरसात के दौरान दूषित जल घरों में जाता है उसकी साफ सफाई नहीं हो पाती। हमारे साथ यहाँ पर कई महिलाएं हैं, हम सबसे पहले आपके पास जाएंगे। आपका नाम? प्रगति कैलाश पवार। प्रगति, ये बताएं आप यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं? 30 साल से। 30 सालों से। 30 साल में आपकी इस बस्ती के ठीक पीछे एक गटर, बहुत बड़ा गटर दिखाई दे रहा है, किस तरह की परेशानी होती है उस गटर से? वो गटर का सब बारिश में पानी आता है, बारिश नहीं होगा तो भी पानी घर में आता है, सब गंदगी आती है घर में, कुछ नहीं, नेता लोग कुछ नहीं काम करते। आपके नेता जो घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश मेहता, आपने प्रकाश मेहता साहब को पिछले 5 सालों में कितने बार देखा? एक ही बार आए थे इधर हमारे झोपड़पट्टी में, एक ही बार आए थे। आपने कितने बार देखा? एक ही बार देखा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश मेहता साहब, यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारा आपसे वादा है कि हम आप तक भी पहुंचेंगे और आपका पक्ष जानेंगे, क्योंकि बाद में आपको ये कहने का मौका नहीं होगा कि लेमन न्यूज ने आपका पक्ष नहीं रखा। ये वो जनता है
जो लोकतंत्र में जनार्दन कहलाती है, हर 5 साल के दौरान चुनाव आते हैं, अपना कीमती वोट देती है और आप जैसे सशक्त नेता को एक शीर्ष स्थान तक पहुंचाती है, ये सोचकर कि उनकी समस्याओं का समय रहते ही आप निवारण करेंगे, लेकिन निवारण के नाम पे आपने क्या किया है ये हम खुद यहाँ की जनता से लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। प्रमिला। आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर कितने सालों से रहते हो? 30 साल हो गया। 30 साल। हाँ। आपने अपने क्षेत्र के विधायक को कितने बार देखा? 5 साल एक बार हमने देखा। पिछले 30 साल से हम लोग रहते हैं, हमको पीछे गटर कितनी तकलीफ है, कीड़े पानी सब घर के अंदर आते हैं। आपने उनसे ये नहीं कहा कि ये इस तरह की समस्याएं हमारे सामने हैं? हमको मिलने के लिए समय उनसे मिले तब ना वो आएंगे, जब ना आना तो चाहिए ना, वोटिंग वोट चाहिए रहेगा जब ही सब लोग घर पे घर आते हैं हाथ जोड़ने के लिए, इसके अलावा तो कोई आता ही नहीं है। मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से हम लगातार पहुंच रहे हैं, वहां की जनता का अमूमन यही कहना है कि सिर्फ नेताओं को हम चुनाव के दौरान ही देखते हैं और जब चुनाव बीत जाता है विधायक बन के जाते हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। और हम लगातार इस तरह के खबरों को प्रसारित जो कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, हमारा मकसद किसी को डोमिनेट करना नहीं, हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद है जो सच्चाई है वह पूरी पारदर्शिता के साथ तमाम मुंबई की जनता तक पहुंचनी चाहिए, चूंकि ये आवाज यदि आज नहीं पहुंची तो शायद विलंब हो जाएगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने कितने बार देखा अपने आमदार? एक ही बार देखा। हाँ। पिछले बार आपने वोट दिया था? हाँ, दिया था। आप वोट देते हैं? ध्यान देते हैं हर समय। अच्छा, आप वोट देते हैं तो आपसे एक बात जानना चाहते हैं, चुनाव जब करीब आता है तो नेता लोग पहुंचते हैं अपने पूरे दमखम के साथ? और आपसे जानना चाहेंगे चुनाव के दौरान उनके जो बोल होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? वो सब बोलते हैं ऐसा कर गटर घर बांध के देगा, गटर बांध के देगा, सब देगा, लेकिन कोई नहीं बाद में आता है, चुनाव के बाद कोई नहीं आता है। वादे आपसे करते हैं निभाते? निभाते नहीं है। आप क्या कहेंगे? वो ऐसा ही बोलेगा ना, ऐसा ही बोलेगा। अच्छा, नहीं, जब वो आपके पास पहुंचते हैं तो आपका फर्ज नहीं बनता उनको बताने का कि हमारे सामने किस तरह? नोटिस आया और टाइम बताया, वो बोलते है नहीं तोड़ेगा, घबर मत, अभी भी नोटिस आया। कितना बार नोटिस आया? एक नोटिस खाली देते हैं हम लोग ये पेपर जमा करते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं होता है। खाली इस तरह की नोटिस कितने बार आई है? 4-5 बार तो आई है, पहले कलेक्टर ने आया, अभी बीएमसी का आया है। पहले कलेक्टर ने नोटिस दी, उसके बाद यहाँ के रहवासियों ने अपने तमाम दस्तावेज कलेक्टर के कार्यालय में जमा कराए और अब बृहन्मुंबई महानगर पालिका इनके पीछे पड़ी है। अमूमन इनका यह आरोप है कि हर साल इन्हें यहाँ की बस्ती खाली करने के लिए नोटिस दी जाती है, अपना पुरावा अपना दस्तावेज सबमिट करने के लिए नोटिसेस दी जाती है, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद नतीजा जो है जब वह निकलता है तो वह रहता है सिर्फ और सिर्फ ढाक के 3 पात। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, कृपया आप आगे आए। आपका नाम? लक्ष्मण राठौड़। राठौड़ साहब, ये बताइए, मैं बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है चुनाव, जैसे गणेश उत्सव होता है, नवरात्रोत्सव होता है, ईद, दिवाली, रमजान, तमाम चीजें जिस प्रकार से मनाई जाती है उस प्रकार से इस लोकतंत्र जो सबसे बड़ा मंदिर कहलाता है लोकतंत्र का, उसका जो चुनाव होता है वह त्योहार होता है, और ऐसे दौरान चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशी जो वादे करते हैं जनता से, क्या वह निभा पाते हैं? नहीं साहब, निभाते तो है, हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के आदमी है, यहाँ पर हर टाइम पे उसको जिताते हैं हम लोग, हर टाइम प्रकाश मेहता को ही वोट देते हैं यहाँ पर। हाँ, तो मेहता साहब पिछले 5 सालों आते हैं खाली साहब बोल के, कम गरीब लोगों को बोल के यशस्वी देके और चले जाते हैं, ऐसे बहुत से नेते लोग आते हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत अच्छा साहब। जी, और हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है खुलकर सामने रखे, चूंकि यह कार्यक्रम प्रकाश मेहता साहब तक भी यह पहुंचेगा। हम साहब वही तो करते हैं कि हम भाई यहाँ का प्रतिनिधि है प्रकाश मेहता साहब, वो हमारे यहाँ ध्यान कम देता है और यहाँ के वोटर सब प्रकाश मेहता और सेना के वोटर है। मेहता साहब, ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये वक्तव्य, ये आरोप भी हमारे नहीं है, ये आरोप है यहाँ की उस जनता का जिसने अपने महत्वपूर्ण वोट देकर आपको विधानसभा भेजा था, लेकिन उनका ये कहना है कि हर बार हम आपको वोट देते हैं तो हर बार आप हमारी समस्याओं से हमें निजात क्यों नहीं दिला पाते, यदि आप सक्षम नहीं है तो आपको चुनाव में खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है, यदि आप सक्षम हैं तो ही इस बार आप इस चुनाव
मैदान में बतौर प्रत्याशी उतरेंगे और यहाँ की जनता से मुखातिब होंगे, और हमारा भी आपसे वादा है कि जब चुनाव प्रचार के दौरान अपनी जनता के बीच आप आएंगे तो आपके पीछे पीछे हम भी आएंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार का रहा है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। काका, आपका नाम जानना चाहेंगे? मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब, कितने सालों से रहते हो आप यहाँ पे? 30 साल से। 30 साल से वोट देते हो? जी हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो जनता यहाँ खड़ी है ये साफ तौर पर कह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, और वहाँ के विधायक, यहाँ के जो प्रकाश मेहता साहब हैं, वो उन्होंने 5 साल में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। आते हैं कभी भी, बाई चांस कोई काम नहीं होता है वो ठीक है, लेकिन कोशिश के लिए सब लोग घड़ी घड़ी बोलते हैं, नहीं आ पाते वोट के टाइम पे। यानी कि आते भी हैं, ध्यान भी नहीं देते हैं, और चुनाव जब नजदीक होता है तब वह जरूर दिखाई देते हैं। खास करके लोकसभा चुनाव बीत चुका है, मोदी लहर पूरे भारतवर्ष ने नजदीक से देखा, यही कारण था कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को वोट देके इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदली, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विधानसभा चुनाव 15 अक्टूबर को होना है, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सीटों के बंटवारों को लेकर एक प्रकार से नूरा कुश्ती सी मची है, अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कयास यह लगाया जा रहा है कि 25 साल पुराना शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट सकता है, इस महायुति में दरार पड़ सकती है। लेकिन सवाल है उन तमाम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के उन विधायकों से कि पिछले बार जो चुनाव मैदान में जब आप उतरे थे और जनता से मुखातिब हुए थे, तो आपके पास जो भी चुनावी घोषणा पत्र था उनमें जिन जिन मुद्दों का उल्लेख था, क्या उन मुद्दों को आपने सुलझाया? हमारे साथ यहाँ पर पुरोहित साहब, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। एक बड़ा नाला जो इस बस्ती के पीछे दिखाई दे रहा है, इसका गंदा पानी लोगों के घरों में जाता है, क्या इससे आपने अवगत कराया था प्रकाश मेहता साहब को? उनको तो पहले से ही मालूम होना चाहिए, हम अवगत क्या करेगा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है हम बताने की जरूरत नहीं होता है। उनके उनके झोपड़पट्टी में उनके प्लान में सब आता होगा, उनको ध्यान से देख के पब्लिक की सहूलियत करना चाहिए। पब्लिक चिल्ला के रो के उनके पास जाए वो करे क्या बात है, जो MLA है तो MLA का तो पूरा एरिया ही आता है उसको कि वो गटर कितना बनवाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे पीछे 90 से 95 फुट जगह पड़ा है और वो 60 फुट का गटर बता रहे हैं, फिर भी वो झोपड़ा तोड़ना चाहते हैं, क्यों तोड़ना चाहते हैं? पीछे क्या कारण हो सकता है कि हर बार 60 फुट का उनका रीजन निकला है, तहसीलदार ने हमको बताया कि 60 फुट का ये बनेगा, तो 95 फुट तक जगह पड़ा है तो वो झोपड़ा तोड़ने का सवाल कहाँ है, नोटिस का आने का सवाल कहाँ है? और ये घड़ी घड़ी जो फोटो पास के पैसे लिए, उनको मालूम नहीं कि झोपड़ा का फोटो पास का पैसा ले रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी भी प्रकाश मेहता साहब को है? हाँ, पूरी जानकारी है उनको कि भाई हमारे फोटो पास के पैसे लिए। वो कभी आते भाई हम बिल्डिंग प्लान लाएंगे, हम तो बिल्डिंग प्लान को पसंद नहीं करते, जो है हमारा ठीक है लेकिन जो है वो न टूटना चाहिए, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। ये हाल हम दिखा रहे हैं लगातार नायडू नगर का, और खास करके चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जब नेतागण व्यासपीठ पर खड़े होते हैं तो उनकी जुबान फिसलने लगती है, कहा जाता है जुबान में हड्डी नहीं होती, और वादे किए जाते हैं, वादों का अंबार लगाया जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हथेली पर चांद दिखाने का काम किया जाता है। लेकिन हम उन तमाम सच्चाई को अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर पूरी पारदर्शिता के साथ तब तक दिखाते रहेंगे जब तक यहाँ के नेता अपनी होश में नहीं आ जाते। बहरहाल एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का यह नजारा है, पंत नगर में हम खड़े हैं, नायडू नगर के नाम से जाना जाता है इलाका, खेतेश्वर मार्ग से ठीक डेड एंड पर जो मंदिर स्थित है यहाँ पर हम खड़े हैं। इससे हम आगे बढ़ेंगे लेकिन इससे पहले अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़ी उमड़ी इस भीड़ को अपने कैमरे में कैद करके जनाब प्रकाश मेहता साहब तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिनके अंदर एक अभिलाषा बनी हुई है, साल 2009 में जिस प्रकार से वह चुनाव जीते थे एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए वो यहाँ पर आएंगे और जनता से मुखातिब होंगे। लेकिन यही जनता से हम भी उस दौरान यह पूछने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश मेहता साहब से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है। झुग्गियों को झुग्गियों में से बड़े पैमाने पर वोट बैंक निकलता है, और खास करके झुग्गियों को बसाने के लिए साल 1996-97 में महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर काबिज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत करी थी। मकसद सिर्फ यह था मुंबई की 40 लाख गरीब जनता को
उनके झुग्गियों से निकालकर उनको बिल्डिंग में स्थलांतरित किया जाए, उनका विकास किया जाए। लेकिन जैसे ही मुंबई के तमाम इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य शुरू हुआ, भ्रष्टाचार का दीमक उसके अंदर इस कदर घुस चुका था कि वह खटाई में पड़ती नजर आई योजना। और लगातार हमने मुंबई की आवाज के माध्यम से अपनी जनता को दिखाने की कोशिश करी थी। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार गुप्ता। वोट देते हैं आप? हाँ। वोट देते हैं? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं आपके? छह जन है। अच्छा, एक बात बताइए, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं? आप उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं? यूपी के। आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसका जवाब दें, चूंकि ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है। आपके घर में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की है? अब किस किस का है, तकलीफ है, शरीर से दुखी रहता है ऊपर। शरीर से दुखी है, लेकिन आपके घर में आस पड़ोस में जो साफ सफाई होती है, जो आपके घर के पीछे गटर है, नाले है, उसकी साफ सफाई क्या होती है? होती है। यानी कुछ लोग, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक यह नहीं समझ पाए कि वोट कितना महत्वपूर्ण होता है और उनके एक वोट से जो तस्वीर है वो किस तरह से बदलती है। और आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। नेहा बुरावणे। नेहा मैडम, एक बात बताइए, आप कितने साल से रहते हो यहाँ पे? अभी मेरी शादी होके 10 साल हो गए, मेरे हस्बैंड यहाँ से 20 साल से पहले से रहते हैं। अच्छा, आप वोट देते हैं? हाँ देती हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ही देती है। हमने ये शिवसेना खड़ी है तो हम उसको भी देते हैं। हमने ये नहीं पूछा आप किसे वोट देते हैं, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि लोग करते हैं इधर। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आप वोट देते हैं? देते। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं? यहाँ पर हमको जो तकलीफ है वो दूर होनी चाहिए। यहाँ पर किसी को, हम लोग रहते हमारे चाली वाले रहवासी लोग, उनको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए। पानी का व्यवस्था, बिजली का इधर है, मगर यहाँ पर हमारे जो साथ रहते हैं, हमारे सब रहवासी लोग, उनको हर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कलेक्टर से कभी आती है और ये नोटिस आती है नाला तोड़ने के लिए। और बरसात में तो हम लोग को इतना तकलीफ है, कचरे का परेशानी है, इधर पीछे गटर जाता है सब। ये मेरे दीदी है, भाभी है, सबके घर में पानी आता है, गंदा इतना पानी आता है कि वो नीचे के रूम से उतर के ऊपर के रूम पे चढ़ जाते हैं, इतना पानी आता है, इतना हम लोग को बहुत परेशानी इधर। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले बार जो यहाँ के कचरे की बात करें, गटर नालों की बात करें, शौचालय की बात करें, क्या इसकी साफ सफाई समय समय पर होती है? हो जाती है, कचरे की प्रॉब्लम, मतलब बीएमसी के कुछ होता है तकलीफ तो, नहीं तो हम लोग को परेशानी नहीं है इतना। और एक बात और जानना चाहते हैं, पिछले बार आपने वोट दिया था, पिछले बार भी प्रकाश मेहता साहब चुनाव में खड़े थे, आप लोगों के सामने आए थे, जो वादे उन्होंने 2009 में किए थे वो वादे वो निभा पाए? बोले थे इधर घाटकोपर में ही घर देंगे, लेकिन अभी नाले का क्या होता है क्या पता। हम लोग को बोले थे इधर घाटकोपर में ही घर देंगे तुमको, नाला हो जाएगा तो भी। हम लोग को जो गली रस्ती टूट जाएगी तो इधर ही हम लोग को रूम देने का वादा किया था। फिर अभी फिर नोटिस आया ना हम लोग को, भाई फिर नोटिस आया हम लोग। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार से गुजारिश करूंगा कि एक बार मुझे उस जगह तक ले जाने की कोशिश करें जहां पर स्थित है वह नाला। उस नाले को हम अपने कैमरे में कैद करना चाहेंगे, क्योंकि घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र का यह इलाका है और यहां पर जिस प्रकार से नायडू नगर की जनता यहां पर रहती है, उसका सबसे बड़ी समस्या जो उसके सामने है वह यह है कि इस नायडू नगर के पीछे बड़े पैमाने पर एक बड़ा सा गटर है, नाला है, जो नाले का स्वरूप ले चुका है, 60 फुट के आसपास है। और इस यह नाला लोगों की मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि साल 2005 में 26 जुलाई के दौरान जब यहां बरसात आई थी, फ्लड आया था, बड़े पैमाने पर यहां बाढ़ सी आ गई थी, लोगों के घरों में जो यहां का गंदा पानी है वह घुस चुका था। और खास करके यहां का जो नज़ारा है, यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रकाश मेहता साहब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से गंदगी से सराबोर यह नायडू नगर का परिसर, यहां से बहने वाली वह गंदगी, इस गंदगी से जो बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, भयावह बीमारियां जो निकलती है, उससे बचना तो एक तरफ से चुनौतीपूर्ण है लोगों के लिए, वहीं दूसरी तरफ साफ सफाई के नाम पर यहाँ की तस्वीर आसानी से देखी जा सकती है। मानसून का समय है और मानसून से पहले बृहन्मुंबई महानगर पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे साहब ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमने तमाम नालों की सफाई कर ली है और अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह सच्चाई है। विधानसभा चुनाव के पहले
घाटकोपर पंत नगर के नायडू नगर में स्थित इस नाले को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और खास करके इस नाले से सटा जो इलाका है वह नायडू नगर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें यहां से हटाने की कवायद जारी है। इस नाले में बड़े पैमाने पर गंदगी है, इस गंदगी से बड़े पैमाने पर मच्छर यहां जन्म लेते हैं, और मच्छरों का जो आतंक है वो आतंक बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी फहरिस्त होती है, और हम पहुंचे हैं घाटकोपर पंत नगर के नायडू नगर इलाके में, उस नायडू नगर इलाके में जहाँ की जनता ने साल 2009 में विधायक चुनकर लाया था प्रकाश मेहता को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, और एक बार फिर उनके अंदर यह सुगबुगाहट मची हुई है कि साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी वह खड़े होंगे बतौर उम्मीदवार, वह भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन महायुति की टिकट पर, लेकिन वह कितने कामयाब हो पाएंगे ये तो देखने वाली बात होगी। एक बार फिर चलते हैं यहाँ की जनता के बीच और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गंदगी से सराबोर इस परिसर में वे और उनका परिवार कैसे गुजर बसर करता है। चूंकि साफ सफाई देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना दिखाया गया था, लेकिन इन तमाम मंजर को देखने के बाद विधायक प्रकाश मेहता साहब, आप बताएं क्या मुंबई कभी शंघाई बन पाएगी? जिस प्रकार से लॉलीपॉप दिया जाता है मुंबई की जनता को, क्योंकि यह मुंबई की जनता जो कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नया दशा व दिशा देने के लिए तत्पर रहा करती है, लेकिन इनकी व्यवस्था क्या, क्या इन्हें बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए? आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इस गंदगी में कैसे रहते हो आप लोग? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी हमारी, हम कहा जाए। इतना साल से ये लोग खाली प्रॉमिस करते कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, खाली जब भी वोटिंग आता है उस टाइम आते, बस एक प्रॉमिस करके निकल जाते। आप सब लोग वोट देते हैं, जब वोट देने के पहले हम अपना घर का कीमती टाइम निकाल के उनको वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो हम जो वोट करते हैं उसका हमें कोई वापस रिटर्न नहीं मिलता है ना, लेकिन जो अच्छा मिलना चाहिए वो। अन्य मतदाताओं से भी हम यह गुजारिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को आप देखिए, चूंकि वक्त पर खड़ा होना बेहद जरूरी होता है, यदि वक्त गुजर जाएगा तो आपके हाथ कुछ नहीं रह पाएगा। और अब चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तमाम नेतागण के अंदर एक जिज्ञासा जीत हासिल करने की बनी हुई है, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र का जिस प्रकार से हम जायजा ले रहे हैं वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। इस बार प्रकाश मेहता साहब आएंगे तो उनको क्या कहेंगे आप? बोलेंगे ये हमारा घर, ये गटर के लिए हमारा वो घर बचा, लेकिन देखो अभी क्या, जिस प्रकार से इस तरह का नेता नहीं किया, अभी आगे देखो क्या करते हैं। 5 साल नहीं किया तो क्या लगता है आगे ये नेता करेगा? अंदर होके 5 साल हो गए। आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आइए। सुभाष चंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब ये बताइए, ऐसा विधायक जिसे आप चुनकर लाते हैं, यदि वह अपने वादों की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता तो ऐसे में दोबारा उसे चुनाव लड़ने का हक है? नहीं। आप एक साथ में सुनना चाहता हूँ, क्या ऐसे विधायक को चुनाव लड़ने का हक है? नहीं। ऐसे जो मतदाताओं को लुभाने का काम करते हैं, ऐसे चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को अपने जनता से वोट मांगने का अधिकार है? कुल मिला के एक साथ एकजुट होकर जनता अब जागरूक हो चुकी है और उसे 15 अक्टूबर का शिद्दत से इंतजार है। और हम एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेने का हमने जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में लगातार हम जुटे हैं और लगातार लोगों के टेलीफोन कॉल्स, लोगों के SMS हमारे पास आ रहे हैं और लोग हमें टेलीफोन कर कॉल कर बुला भी रहे हैं। वह अपने विधायक के प्रति कितने असंतुष्ट हैं इसकी छवि आसानी से देखी जा सकती है। और लेमन न्यूज का ये वादा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के तस्वीर का एक हिस्सा परत दर परत हम अपनी जनता को दिखाएंगे। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। जनार्दन गुप्ता। आप एक बात बताइए, वोट देते हैं? नहीं, अभी फिलहाल नहीं दिया। अभी आपका नाम वोटिंग में दर्ज हुआ है? नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ नहीं। आप कितने साल के हैं? मैं 22। 22 साल के हैं, आपने अपना नाम अभी तक उसमें ऐड नहीं कराया? नहीं कराया। क्या आपके पास प्रकाश मेहता साहब या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपका नाम चुनाव यादी में, मतदार यादी में दर्ज कराने के लिए आपसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, मैंने खुद नहीं कराया। आपने खुद नहीं कराया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में प्रकाश मेहता साहब यहाँ कितने बार आए? जी मैं पाँच साल में एक बार आते, इलेक्शन रहे तभी आते। ये आप अपने मन से बोल रहे हैं या सही में? अच्छा, मैं यहाँ पे ही रहता है, पैदा यहाँ पे हुआ और यहाँ पे मच्छर लोग इतने कि बच्चे लोग बीमार पड़ जाए, क्या करें यार। बात है, यहाँ पर मच्छरों का आतंक है, यहाँ पर कई समस्याएं हैं, लोग जो हैं
उनके पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन हमारे पास समय की काफी कमी है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग, हम चाहेंगे पुरोहित साहब आप आगे आए और आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो गटर का ये जो नाला हम देख रहे हैं इसकी साफ सफाई कब होती है? इसकी साफ सफाई नहीं होती है बिल्कुल। अभी ये जो प्लान है गटर बनाने का, इसमें कुछ करेगा तो बात है, बाकी स्पेशल उसका कोई साफ सफाई का नियम नहीं है, नहीं कभी भी। तो यहाँ से जो बड़े पैमाने पे जो दूषित जल यहाँ से बहता है, 26 जुलाई के दौरान यहाँ की क्या स्थिति थी? हाँ, उस टाइम में इधर पानी भरा था और पब्लिक को बहुत तकलीफ पड़ा, जैसा पूरा घाटघर में हुआ वैसे ही हुआ, अलग से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन गटर है करके थोड़ा तकलीफ है, लोगों को डर है, ऐसा उस हिसाब से है। इस बार क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक साहब को आप? ऐसा कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरह से हम उनको चाहते हैं वैसा ही वो भी हमको चाह के इधर का कार्यक्रम करे और हमारी झुपड़पट्टी को कुछ नुकसान ना हो, नाला भी बने और सब अच्छा कार्य में हाथ रखा जाए। जी जी जी, नाला बने लेकिन हम लोग को इधर ही घर दो, हमारा झोपड़ा बचना चाहिए। आपका झोपड़ा बचना चाहिए बात तो एकदम सही है, लेकिन आपने जिस प्रकार से पिछले बार प्रकाश मेहता साहब को वोट देके जिताया, उससे क्या लगता है कि इस बार भी आपको वोट देना चाहिए उन्हें? अभी तो मन नहीं देना चाहिए, अभी अगला कोई नेता है उनको दे जिताएंगे। नहीं देना चाहिए उनको। आपसे मैडम एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आप आगे आइए। कितने ऐसे बेरोजगार हैं, कितनी ऐसी सड़कें हैं, कितने ऐसे बुनियादी सुविधाएं हैं जो अपनी जनता को प्रकाश मेहता साहब ने करके दिया? रोजगारों को नौकरी दिया आपके आपके नहीं दिया आपके इलाकों में, आपके जो परिसर है उस परिसर में रहने वाले किसी नव युवक बेरोजगार नहीं दिया है। और जो नोटिस आपके पास आई है, इस नोटिस से आपका पूरा परिवार डरा और सहमा है? सब हमारे रिलेशन वाले भी है, भाभी है, ये सब सहमे हुए। हमको एक साल के बाद दो साल के बाद नोटिस आता ही है इधर, मगर उसका सोल्यूशन ही नहीं निकलता है। नोटिस आता है उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, वो पेपर मांगते हैं, हम लोग सब पेपर जमा करते हैं। तो हम लोग का भी बोलना यही है कि ये जो किस्सा निकला है वो पूरा करो, ये जो नाला बनने वाला है नाला बनने दो। और उसके यदि नहीं बना तो आने वाला जो समय है, यदि यहाँ पर बड़े पैमाने पर मूसलाधार बरसात हुई, समंदर के भीतर बड़े पैमाने पर हाईटाइड का वक्त रहा, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ की जो जनता है वह पानी में उनके मकान डूब सकते हैं। गरीब जनता को बसाने के लिए सरकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है। जी क्या कह रहे थे आप? बरसात में तो हम लोग इधर बहुत तकलीफ है, पानी घर में जाता है, मच्छर का परेशानी है, बच्चे लोग को हमको इतना परेशानी है, बहुत परेशानी है। परेशानी कई है लेकिन निदान एक भी नहीं। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं और साथ ही प्रकाश मेहता भारतीय जनता पार्टी के जो बतौर विधायक हैं, इस बार भी चुनाव मैदान में वह उतरेंगे और हम भी उनका इंतजार करेंगे। इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से गुजारिश है, यदि आपके इलाके में भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं, यदि आपके विधायक से संबंधित कोई सवाल आपके जेहन में है, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी खबर बिना कट किए पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ हम अपने इस टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे बल्कि इस आवाज को वहां तक ले जाएंगे जहां तक ले जाना वक्त की जरूरत है। हमारे आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा व मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र पवार को इजाजत। नमस्कार।
लाभ।